हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जो हमारी बैंकिंग का एक पार्ट है, जिसको हम लोग जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन के नाम से। जी हाँ, क्रेडिट क्रिएशन यानी जो बैंक्स हैं, जो बैंक में हम लोग जाते हैं वो लोन हमें देती हैं, तो बैंक्स के पास ये पैसा आता कहाँ से, वो कैसे हमको लोन देती हैं, किस तरह से हमको लोन क्रिएट होता है या वो किस तरह से पैसा बनाते हैं, ये सारे मेथड्स हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक में, जो कि है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा कि क्रेडिट क्रिएशन जो है, जो नाम है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्रेडिट को, लोन को क्रिएट करना। तो बैंक जो है वो लोन क्रिएट कैसे करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो बैंक का जो लोन क्रिएट करने का मेथड होता है वो होता है हमारा पैसा, जो हम पैसा देते हैं ना, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वही पैसा बैंक इस्तेमाल करती है एज अ लोन के पर्पस। यानी हमारा ही पैसा वो हम ही को लोन में दे देती है और उससे इंटरेस्ट कमा लेती है। समझ रहे हैं, मतलब पैसा भी मेरा, लोन भी मैं ले रहा हूँ, इंटरेस्ट भी मैं ही दे रहा हूँ, सब काम मैं ही कर रहा हूँ। तो कैसे होता है ये आज जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या हो गया, बार बार, मतलब एक ही चीज से आप बार बार पैसा कमा सकते हो। यानी मैंने एक बार डिपॉजिट किया, उस एक डिपॉजिट से गवर्नमेंट मल्टीपल टाइम्स पैसा बना सकती है। मतलब मैंने 100 रुपए अगर गवर्नमेंट बैंक को दिया है, सॉरी यहाँ पे बैंक होगा, अगर मैंने बैंक को 100 रुपए दिया है तो उस 100 रुपए से बैंक 1000 रुपए बना लेती है, 10 गुना ज्यादा। या ये भी कह सकते हो जितने टाइम्स मेरा रिजर्व होगा, ये हम लोग आगे बात करेंगे अभी, जितने टाइम्स मेरा CRR होगा, जितना परसेंट RBI फिक्स करती ना, हमारा जो CRR होता है वो फिक्स कौन करता है, RBI फिक्स करता है। तो जितने परसेंट हमारा CRR होगा उतने टाइम्स हमारा डिपॉजिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर CRR 5% है तो मेरा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, CRR 10% है तो 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, इसी तरह से हमारा ये सो ऑन चलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी चीज क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व, यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI। जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा डिपॉजिट करती है, तो जितना पैसा वो RBI के पास डिपॉजिट करती है उसके अलावा जो पैसा बचता है उसको वो इस्तेमाल करती है एज अ लोन। अब CRR जो होता है ये फिक्स कौन करता है, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हमारे CRR पे ही कमा रहे हैं, कैश रिजर्व क्या कमा रहे हैं, ये जो कैश रिजर्व होता है इसको फिक्स कौन करता है, RBI। तो कैश रिजर्व इज फिक्स बाय द RBI। RBI बताती है कमर्शियल बैंक को कि उसको कितना CRR रखना है, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी होगा, जो भी अमाउंट होगा, वो सारा का सारा अमाउंट मेरा फिक्स कौन कराती है, RBI फिक्स करती है। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर के नाम से या फिर मनी क्रिएशन के नाम से। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, वो आपसे चाहे क्रेडिट क्रिएशन पूछे, मनी क्रिएशन पूछे या क्रेडिट मल्टीप्लायर पूछे, तीनों का कॉन्सेप्ट आपका एक ही है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम अपने डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग, वो मेरा कहलाता है मनी क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर। अब ये काम कैसे करना है, यहाँ पर हम एक बैंक का एग्जांपल लेंगे, एक ही बैंक है मेरा, ठीक, डिपॉजिटर कई सारे होंगे, बैंक एक होगा। जैसे अब यहाँ पे मैं एक डिपॉजिटर हूँ, मैं गया बैंक में, गया मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने बैंक में जाके 1000 रुपए जमा कर, ठीक है ना, मैं अपने बैंक गया, मैंने अपने बैंक अकाउंट में जाके 1000 रुपए रख दिया कि भैया ये लो पैसा मेरा रख लो, जमा कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा है तो मुझे इसका नीड नहीं है, तो ये मेरा पैसा आप अपने पास सेविंग अकाउंट में मेरे डाल के रख दो फॉर द सेविंग पर्पस, ठीक। आपने क्या किया, 1000 रुपए जमा कर दिया। RBI ने कमर्शियल बैंक से बोला है कि जितना भी डिपॉजिट आपके पास आएगा उस डिपॉजिट का 10%, कितने परसेंट, 10% आप रिजर्व के तौर पे डाल दोगे, ठीक है ना। क्या होगा, डिपॉजिट जो भी आप डिपॉजिट लेके आओगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, दिन में आपके पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का 10% आप CRR में डाल दोगे। तो मैंने बैंक को कितने रुपए दिए, 1000 रुपए, 1000 रुपए का 10% कहाँ जाएगा, CRR में जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 1000 में से 10% यानी 100 रुपए डाल दिया सेंट्रल बैंक के पास कि ये आप अपने पास रख लो, है ना। तो अब 100 रुपए मैंने डिपॉजिट किया, 1000 रुपए मैंने डिपॉजिट किया, 1000 में से 100 रुपए चला गया, बचा कितना, 900।
तो जो कमर्शियल बैंक है वो लोनिंग कितने की कर सकती है? 900 की लोनिंग कर सकती है। जो कमर्शियल बैंक है वो 900 रुपए की लोनिंग लोगों को कर सकती है। अब कमर्शियल बैंक ने ये लोन क्या किया, आपको दिया। जो जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से किसी एक बच्चे को उन्होंने 900 रुपए का लोन दिया, तो अब डिपॉजिट कितने का हो गया? 900 रुपए का। क्योंकि ये जो लोन आएगा वो भी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, सेविंग बैंक में आएगा। अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लोन का पैसा कहाँ आता है? सेविंग अकाउंट में। तो अब ये 900 रुपए मेरे डिपॉजिट हो गए ना, तो यहाँ 900 रुपए डिपॉजिट में आ गया। फिर जब 900 रुपए डिपॉजिट में आए तो फिर से कमर्शियल बैंक 900 का 10% दे देगी आरबीआई को, बाकी जो बचेगा वो लोनिंग में चला जाएगा। तो 900 का 10% 90 रुपए हो गया। 90 का बचा जाओ पार्ट कितना बचा, 900 में से 90 माइनस कर दो, 900 में से 90 माइनस, तो 900 माइनस 90 इज इक्वल टू द 810। तो नेक्स्ट जो लोनिंग होगी वो कितने की होगी? 810 रुपीज की। अब ये किसी ने लोन लिया तो कितना लोन हो गया? 810 रुपए का हो गया। अब फिर से वही चीज, 810 का 10% जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, बाकी जो बचेगा वो जाएगा लोनिंग में। तो 810 का 10% यानी 81 रुपीज मेरा चला गया सीआरआर में, बाकी जो 729 बचा वो मेरा आ गया लोनिंग में। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे हुआ कि 1000 डिपॉजिट किए, 100 रिजर्व में गया 900 का लोन, 900 डिपॉजिट में आ गए, 90 का रिजर्व 810 हो गया, 810 की लोनिंग करी, 81 रिजर्व हो गया, 729 लोनिंग हो गई। फिर 721 डिपॉजिट किया, उसका 10% 72.9, फिर 656.1 आपका लोनिंग अमाउंट हो गया। इसी तरह ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू होता रहेगा, कब तक? जब तक ये जो डिपॉजिट आपने 1000 रुपए का किया था, इतना ही डिपॉजिट मेरे पास रिजर्व में ना आ जाए। यानी जितना मैंने डिपॉजिट किया था, जितना 1000 रुपए मैंने बैंक को दिया था, जब तक कमर्शियल बैंक उस 1000 रुपए से अपने लिए 1000 रुपए नहीं बना लेगी, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ही पैसा था, मेरे ही पैसे को उसने लोन की तरह इस्तेमाल किया और उतना ही पैसा अपने पास जनरेट कर लिया। तो कितने टाइम्स हो गया, जब मैंने यहाँ पे 1000 रुपए डिपॉजिट किया था। अब डिपॉजिट ये तब तक चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक ये डिपॉजिट कितने का नहीं हो जाता, 10000 रुपए का। कितने का? 10000 रुपए का। इस 10000 रुपए में से 1000 रुपए होगा मेरा सीआरआर और 9000 रुपए मेरी होगी लोनिंग। क्योंकि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो मेरा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा वो उसमें क्या होगा, जितने परसेंट मेरा सीआरआर होगा उतने टाइम्स मेरा डिपॉजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डिपॉजिट कितने का था? 1000 रुपए का। तो एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू के। क्रेडिट मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं? के। के का फॉर्मूला होता है 1/CRR। ठीक, अब 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। तो मेरे पास ये यहाँ पे कैश रिजर्व मेरा हो गया, या इसको ये भी कह सकते हैं जो हमने डिपॉजिट किया, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने के लिए कह दें तो डिपॉजिट। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितना किया था? 1000 रुपए का। तो जब 1000 रुपए का डिपॉजिट मैंने किया था, ये डिपॉजिट का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीआरआर मेरा था 10, डिपॉजिट हो गया 1000, ये मेरा हो गया 10000। या इसको एक और तरह से समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा, आपको डिपॉजिट पता करना है। तो डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। तो डिपॉजिट यहां पे मुझे निकालना है, 1/CRR था मेरा 10%, ये मेरा यहाँ पे कैश रिजर्व था, मेरा यहाँ पे रिजर्व कितने का हो गया, 1000 रुपए का। ठीक, तो अब यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए का। तो यहाँ पे मेरा रिजर्व कितने का हो गया, स्टार्टिंग का 100 रुपए का रिजर्व मेरा आ गया। जब मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट में डाले थे तो रिजर्व कितना मेंटेन हो गया, 100 रुपए का। वही सेम चीज मेरी यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी कि आपके जितने टाइम्स सीआरआर होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डिपॉजिट। आपने डिपॉजिट 1000 रुपए का किया था, 10% सीआरआर था, तो 10 टाइम यानी 10 टाइम्स आपके मल्टीपल हो जाएंगे डिपॉजिट के। तो 1000 का 10 टाइम्स 10,000, 100 का 10 टाइम्स 1000 और 900 का 10 टाइम्स 9000। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मनी क्रिएशन। क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। आई होप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू क्लास।